फडणवीस का उद्धव सरकार पर आरोप, महाराष्ट्र में अराजकता जैसे माहौल, महाराष्ट्र सरकार का रवैया अहंकारी, महाराष्ट्र में विपक्ष के अधिकारों का हनन। उद्धव सरकार पर फडणवीस के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वल्से का पलटवार, कहा सरकार ने निष्पक्ष ढंग से की कार्यवाही। लाउड स्पीकर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वल्से बोले, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर नई गाइडलाइन नहीं। दिलीप वल्से ने कहा हनुमान चालीसा पाठ करने का विरोध नहीं, लेकिन इसे अपने घर पर करें। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश के लिए। महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचा हनुमान चालीसा विवाद, एनसीपी नेता फहमिदा हसन ने पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा करने का किया ऐलान। एनसीपी नेता फहमिदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, हनुमान चालीसा और सर्वधर्म प्रार्थना के लिए मांगी अनुमति। महाराष्ट्र सरकार पर किरीट सुमैया के सवाल, कहा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर हो रहा है हमला, विधायक सांसदों को महाराष्ट्र में मिल रही धमकी। विवाद के बीच शरद पवार की नवनीत राणा को नसीहत, अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम करना चाहे तो घर पर ही करें, दूसरे के घर के सामने करने की जिद ना करें। शरद पवार ने कहा मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है, उन्हें उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। सामना में नवनीत राणा पर शिवसेना का हमला, कहा चालीसा पर हिंदुत्व का बीन बजा रही है नवनीत। सामना के जरिए नवनीत राणा पर निशाना, कहा झूठ की बुनियाद पर खड़ी है नवनीत की सियासत, नवनीत राणा के पीछे बीजेपी का हाथ। हनुमान चालीसा पर मचे घमासान के बीच संजय राउत का नवनीत राणा पर तंज, कहा झूठे लोग हमें चालीसा क्या सुनाएंगे। संजय राउत ने नवनीत राणा पर गलत दस्तावेज बनवाने का आरोप लगाया, कहा गलत दस्तावेज के जरिए प्रमाण पत्र बनाए। भाईखला महिला जेल में नवनीत राणा की बिगड़ी तबियत, नवनीत राणा को ब्लड प्रेशर की शिकायत। मुंबई में नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा करने वाले 16 शिवसैनिकों को मिली जमानत, कल क्या गया था गिरफ्तार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के ड्राइवर के खिलाफ खार थाने पुलिस थाने में मामला दर्ज, ड्राइवर पर तेज रफ्तार गाड़ी से शिवसैनिकों को कुचलने की कोशिश करने का आरोप। नवनीत राणा मामले में उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया, कहा शिवसैनिक झुकेगा नहीं, हमारे शिवसैनिकों पर बाला साहब का आशीर्वाद। 80 साल के शिवसैनिक के घर पहुंचकर सीएम उद्धव ने किया शुक्रिया, मातोश्री के बाहर बुजुर्ग शिवसैनिक ने कहा था झुकेंगे नहीं। इंदौर में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू, इंदौर के चंद्रभागा के हनुमान मंदिर में लगा लाउड स्पीकर। हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान पाठ और महाआरती शुरू की, मंदिर में हर दिन 5 बार लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ। यूपी के झांसी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, स्वेच्छा से मंदिर मस्जिद से उतारे गए लाउड स्पीकर। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबल पर छिड़ा विवाद, कर्नाटक के एक स्कूल में बच्चों को बाइबल लाना अनिवार्य, हिंदू संगठन बोले ये एजुकेशन एक्ट के खिलाफ। अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में जनहित याचिका दायर, कहा मास्टर प्लान की आड़ में की जा रही अवैध कार्रवाई। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज, भगवा गमछे में दिखे हार्दिक पटेल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, लश्कर के 3 आतंकी एनकाउंटर में हुए ढेर, जासूसी ड्रोन से मिली थी तीनों की लोकेशन। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के स्कूलों का लिया जायजा, भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी रहे मौजूद। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में बिल्डिंग हादसा, सत्यानिकेतन इलाके में गिरी बिल्डिंग, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर। जहांगीरपुरी के बाद अब दिल्ली के शाहीनबाग में चलेगा बुलडोजर, ओखला और तिलकनगर वेस्ट में कई वार्ड चिन्हित, नोटिस देकर तोड़ी जाएंगी इमारतें। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा, बाबा के बुलडोजर से दहशत में गुंडे माफिया, अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। 2 साल में टॉप 50 माफियाओं की 1200 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, यूपी पुलिस ने सीएम योगी के सामने रखा टारगेट। यूपी के बिजनौर में पुलिस लाइन की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त, 25 बीघा जमीन से हटाया गया अवैध निर्माण। यूपी के जौनपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन। एमपी के रतलाम में 2 बदमाशों के अवैध निर्माण जमींदोज, 2 गांवों में 5 अवैध निर्माण तोड़े गए, आरोपियों पर चोरी मारपीट के कई मामले दर्ज। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, मौजूद फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द निस्तारण के आदेश।
पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती, आज लखनऊ में सीएम योगी ने किया माल्यार्पण। योगी सरकार 2.0 के एक महीने पूरे, दूसरे कार्यकाल में और भी सख्त दिखे सीएम योगी, डबल इंजन की सरकार में विकास का डबल डोज। योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी, गेहूं खरीद में तत्व की आधार सत्यापन की अनिवार्यता, बैंक के जरिए एनपीसीआई पोर्टल से खाते को कराना होगा लिंक। आजम खान के मीडिया प्रभारी का बड़ा दावा, इस बार ईद पर आजम खान हमारे बीच में होंगे, जल्दी सभी मुकदमों में मिलेगी जमानत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गोंडा दौरा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले के आरोपी मुर्तजा का केस ट्रांसफर, मुर्तजा को गोरखपुर जेल से लखनऊ सेंट्रल जेल किया जाएगा शिफ्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी टीईटी 2021 का रिजल्ट रोका गया, फैसले से 20,000 अभ्यर्थी होंगे प्रभावित, डबल बेंच में अपील करेंगे परीक्षा नियामक प्राधिकारी। नोएडा में बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई, 1,019 लोगों का किया गया चालान, पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पुलिस का अभियान। यूपी के शाहजहांपुर में इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, बदमाश पर था 10,000 का इनाम। कानपुर में अपराधी के साथ हुक्का पीते दारोगा का वीडियो वायरल, आला अधिकारियों ने दारोगा को सस्पेंड कर मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया, शातिर बदमाश अंकित लाला पर कई मामले दर्ज हैं। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, एसओजी प्रभारी के हाथ में लगी गोली, बदमाशों के पास से अवैध तमंचा बरामद। बहराइच में टीचर ने पत्नी की हत्या कर घर में दफनाया शव, पुलिस ने खुदाई कर शव को बाहर निकाला, शिक्षक पवन गुप्ता ने प्रेमिका के साथ की थी लव मैरिज। नोएडा में रहे जादों को नई खाकी का खौफ, चलती कार की छत पर बैठकर किया स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बागपत में चर्च के पादरी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी पादरी को किया गिरफ्तार।